भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आइए देखते हैं कि भारत और चीन की सेना की ताकत में क्या फर्क है। भारत के सैनिकों की संख्या लगभग 13.25 लाख के आसपास है और चीन के पास 22.5 लाख। एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 7,500 एयरक्राफ्ट है जिनमें 2,000 कॉम्बैट जेट्स है। इस मामले में भारत चीन से बहुत पीछे है। भारत के पास सिर्फ 1,500 एयरक्राफ्ट है जिनमें 600 कॉम्बैट जेट्स है। इस वक्त चलते हैं जी न्यूज के रक्षा मामलों के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के पास। कृष्ण, ये बताएं कि भारत और चीन के बीच जो बहुत बड़ा अंतर है, इसके साथ एक बार और कही जाती है कि एक युद्ध न चीन के हित में है न भारत के हित में, तो ऐसे में ये तनाव बढ़ाकर चीन हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि न भारत युद्ध चाहता है और शायद चीन भी युद्ध नहीं चाहता होगा, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों को अपने विकास के लिए ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा संसाधन चाहिए, और जब भी युद्ध होता है तो बाकी सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल, सवाल यह है कि चीन ऐसा तनाव क्यों बढ़ा रहा है। चीन का अपना पक्ष बिल्कुल साफ है कि वो जिन जिन इलाकों पर अपना दावा जाहिर करता है उन सारे इलाकों को वो किसी न किसी तरह हथियाना चाहता है। इसको चीन की इंच दर इंच आगे बढ़ने की नीति भी, रणनीतिक विशेषज्ञ इसको कहते हैं कि वो हर साल थोड़ा सा अपने जिस इलाके को क्लेम करना चाहता है हर साल उस इलाके में थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा, भारतीय फौजियों को वहां आने से रोकेगा, टेंट लगाएगा या इसी तरह की दूसरी निशानियां छोड़ेगा, और वो तब तक इस सारे मुद्दे पर दबाव बढ़ाता जाएगा जब तक कि जितने बड़े इलाके में वो दावा कर रहा है उस इलाके में उसका दावा पुख्ता ना हो जाए। तो चीन की ये पुरानी रणनीति है। सवाल यह है कि भारत को इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि चीन न केवल इंच दर इंच आगे बढ़ता है बल्कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से कर चुका है।